वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, मैरी या डेविल मैन। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाओ मॉर्निंग में जागती है, तभी बाहर से शाओ की फियांसी मिन की आवाज आ रही होती है। बाहर निकल, मुझे सब पता चल गया है। शाओ डोर ओपन करने ही वाली थी, पर सोचती है मैं रात में मिन के साथ नहीं थी तो किसके साथ थी। शाओ को रात की बातें याद आती है, वो बहुत ड्रंक थी और रोमांस कर रही थी। शाओ रूम में एक मैन को भी देखती है, तभी मिन अंदर आ जाता है। तुम यहाँ होटल रूम में क्या कर रही हो? शाओ मिन से बहुत प्यार करती थी, उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए एक्सप्लेन करने लगती है, पहले मेरी बात तो सुनो ना। पर मिन तो शाओ को थप्पड़ ही मार देता है। लिली बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पता है ना मिन ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। शाओ बोलती है, जान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बात तो सुन लो। पर मिन तो उसकी नहीं सुनता। मुझे पता है कल रात तुम किसी अरे गहरे मैन के साथ थी, तुम दोनों ने नाइट स्पेंड की है ना, मुझे चीट किया तुमने। मिन उसे एक और थप्पड़ मारने वाला था, तभी जू आके बोलता है, ये एरा गेरा किसे कहा? मिन तो जू से डरने लग जाता है, कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, और वहाँ से भाग जाता है। शाओ जू को बोलती है, लगता है मिन आपसे डरता है, चलो ना उसे एक्सप्लेन करो, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। जू बोलता है, सच में हमारे साथ जो हुआ है ना, वो सब मिन ने ही किया है, क्या तुम्हें लिली नजर नहीं आई? शाओ अपने फियांसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। मिन लिली को बोलता है, हमने जिस मैन को बुलाया था वो कहाँ गया होगा? लिली बोलती है, उसे क्या फर्क पड़ता है, शाओ ने नाइट स्पेंड कर ली है ना। मिन बोलता है, जान तुम कमाल हो, तुम्हें ही ऐसे आइडिया आते हैं। पीछे से शाओ भी सब देख रही थी। मिन बोलता, जू के साथ शाओ की हालत तो देखने जैसी होगी। लिली बोलती है, वो बोरिंग है, तुम मुझे ही देखो, ये दोनों रोमांस करने वाले थे। शाओ बोलती है, अच्छा तो मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारा प्लान था? ये दोनों तो शो को जाते हैं। शाओ बोलती है, वाह, एक मेरा बॉयफ्रेंड दूसरी मेरी फ्रेंड है, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है ना? लिली बोलती है, कौन सी फ्रेंड, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मिन लिली को किस करता है, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, वैसे डैड की वसीयत से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। शाओ बोलती है, क्या इतनी नफरत करते हो? लिली बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे चाहिए, मैं लेकर ही रहूंगी, इंक्लूडिंग तुम जिस लड़के को प्यार करती हो वो भी। शाओ लिली को गुस्से में धक्का दे देती है। लिली मिन से बोलती है, हमारे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? मिन शाओ पर भड़कने लग जाता है, अगर लिली या मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मिन शाओ को धक्का देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। शाओ जब होश में आती है तब वो हॉस्पिटल में होती है, जू उसके सामने था। शाओ बोलती, तुमने मेरी हेल्प की है ना? जू बोलता, मैं नहीं आता तो तुम मर जाती। एक्चुअली मैं जू मिन का अंकल होता है, इसीलिए शाओ बोलती है, मिन तुम्हारा भतीजा है और लिली अब डॉटर इन लॉ बनने वाली है। जू बोलता, तुम अपने बारे में सोचो ना। शाओ मिन के घर आती है, लिली पूछती है, यहाँ क्यों आई हो? शाओ बोलती है, अपना सामान लेने। लिली उसे बैग देती है, चलो निकलो अब। इवन वो शाओ को सुना भी रही थी, अब मिन से दूर ही रहना तुम। शाओ बोलती है, मुझे कचरा पसंद नहीं है, तुम ही रखो उसे और इस बेबी का ख्याल रखना, क्योंकि इसकी वजह से ही तुम अभी तक टिकी हुई हो, वरना मिन तो किसी और लड़की को लेकर आ जाता। बाहर से सब जू भी सुन रहा होता है, असिस्टेंट शाओ के बारे में बोल रहा होता है, क्या हमें उसका पीछा करना है बॉस? जू बोलता, नजर रखो, कुछ हो तो बता देना। लिली मिन को बताती है, शाओ भी प्रेग्नेंट है, मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। मिन बोलता, अगर अंकल जू को ये बात पता चली ना तो वो शाओ को एक्सेप्ट कर लेंगे। मिन बोलती, हमें उस बेबी को मारना होगा। रात में शाओ जा रही होती है, तभी मिन आकर शाओ को मारता है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा पाओगी? शाओ भी होश हो जाती है। जू आकर शाओ को अपने घर ले जाता है। शाओ बोलती, मैं कहाँ हूँ? जू बोलता, मेरे घर पर, मिन ने ही तुम्हें मारा था, माफ कर देना, मुझे नहीं पता था वो इतना नीचे गिर जाएगा। शाओ बोलती, उसे लगा होगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। जू खुश हो जाता है, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? शाओ बोलती, नहीं, होटल से निकलते ही मैंने दवाई ले ली थी। जू को ये बात अच्छी नहीं लगती, चलो सो जाओ अब। जू बाहर आता है, असिस्टेंट बोलता है, ये सब मिन प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। जू बोलता, उस पर नजर रखो, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। शाओ ठीक हो जाती है, वो बोलती है, मुझे अब जाना चाहिए, वैसे ही मेरी तुम बहुत ज्यादा हेल्प कर चुके हो। जू को अच्छा नहीं लगता, शाओ जाने की बात कर रही है, क्या तुम मिन को ऐसे ही जाने दोगी? उसने तुम्हें हर्ट किया है ना, इवन उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड भी थी, तुम्हें चीट किया है। शाओ बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जू बोलता है, पर तुम तो घर छोड़कर जा रही हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा?
वैसे तुम रिवेंज कैसे लोगी? शाओजू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे अपनी फियांसी अनाउंस कर दो। सी शाओ के क्लोज आता है। शाओ को लगता है किस करेगा, पर जू बोलता है ठीक है। शाओ का तो पॉपट हो जाता है। जू शाओ को उठाकर रूम में लाता है। शाओ बोलती है मुझसे दूर रहना, अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। जू शाओ से पूछता है, तुमने कुछ प्लान बनाया है क्या रिवेंज लेने का? शाओ बोलती है, चैरिटी इवेंट होने वाला है, तुम मेरे साथ चलना। शाओ और जू पार्टी में आते हैं। जू को एक कॉल आता है और बोलता है, मैं कॉल अटेंड कर आता हूँ, तुम अंदर जाओ। शाओ बोलती है, मैं अकेले जाऊँ क्या? जू बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बस तुम मिन और लिली को देखकर डरना मत। शाओ बोलती है, मैं क्यों डरने लगी, वो मुझसे डरेंगे। पार्टी में मिन लिली को बोल रहा होता है, तुम्हें मेरे अंकल को इम्प्रेस करना होगा। लिली शाओ को देखकर बोलती है, देखो कैसे अनपढ़ों की तरह तैयार होकर आई है। बाहर से ये जू भी देख लेता है। लिली उसे बोलती है, आज भी किसी मैन के साथ रात बिताने का इरादा है क्या? शाओ बोलती है, नहीं मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुम अपने कचरे के साथ ही रहो। लिली मासूम मन के बोलती है, जान देखो ना, शाओ मुझे बुली कर रही है। मिन बोलता है, मेरी लिली को परेशान कैसे किया तुमने? वो शाओ को धक्का दे देता है। जू शाओ को पकड़ लेता है, तुम ठीक तो हो ना? शाओ बोलती है, जान तुम आ गए? जू बोलता है, हाँ कोई कह रहा था, मुझे दिखाई नहीं देता। मिन तो नजर चुराने लग जाता है, अंकल मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा था, ये लड़की बड़ी बदतमीज है। जू बोलता है, अच्छा हमारी फैमिली में तुमने यही तहजीब सीखी है क्या, आंटी से ऐसे बात करते हैं? मिन बोलता है, ये मेरी आंटी नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? जू बोलता है, शाओ मेरी फियांसी है, तो हुई ना तुम्हारी आंटी? अब दोनों ही शाओ को आंटी बोलने लग जाते हैं। शाओ लिली को बोलती है, तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो, अभी तुम्हारी शादी मिन से नहीं हुई है। मिन बोलता है, तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। जू शाओ को बोलता है, तुम सही कह रही हो, अभी लिली हमारी फैमिली में नहीं आई है, तो फॉर्मली बुलाओ ना। शाओ लिली को इशारा कर चली जाती है। सभी शाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसने जू को फंसा लिया वन नाइट सेंड कर। शाओ बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़कियाँ बोलती है, सभी बातें कर रहे हैं, तभी मैडम यू आती है जो इस फैमिली में हेड है। मैडम यू बोलती है, मुझे तुम जैसी वुमेन मेरी पार्टी में नहीं चाहिए। शाओ बोलती है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैडम यू बोलती है, तुमने जू के साथ नाइट स्पेंड कर उसे फंसाया है, क्या ये झूठ है? शाओ बोलती है, अच्छा आपको भी ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है जो दूसरों के मैन को चुरा ले, मुझे पता है ऐसी लड़की कौन है। शाओ लिली के ऊपर वाइन फेंक देती है। लिली बोलती है, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? शाओ बोलती है, पहले किसी और के बारे में र्यूमर्स फैलाने से अच्छा खुद को देख लेना चाहिए। तो मिस्ट्रेस सोमिन की नहीं पता क्या तुम्हें? कोई भी तुम जैसा बुरा हो ही नहीं सकता। लिली बोलती है, क्या है तुम्हें, खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। मेन बोलता है, तुम लिली को हर्ट करना बंद करो, वो प्रेग्नेंट है, पता है ना तुम्हें? शाओ बोलती है, ओ माय गॉड, मैं तो भूली गई थी, तुम भी लिली की तरह कचरा ही हो। तुमने लिली के साथ रहने के लिए मुझसे ब्रेकअप किया है ना? मेन बोलता, तुम अंकल के साथ थी इसीलिए अच्छे से बात कर रहा था, अभी की अभी लिली से माफ़ी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। शाओ बोलती है, क्या माफ़ी मांगू? ठीक है अब मैं माफ़ी अपने स्टाइल से मांगूंगी, चलेगा ना? शाओ चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाती है, सभी को गलत फहमी हुई है, आप लोगों ने सुना ही होगा लिली प्रेग्नेंट है, इसीलिए इसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी, क्या अब भी मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ? शाओ मैडम यू से बोलती है, अब तो पता चल गया ना आपको कौन गलत है। मैं क्या करती, मुझे जू पसंद आ गया, पर मिन को लिली ने मुझसे चुरा लिया है। शाओ तो बहुत ज्यादा मासूम बन गई थी। लिली बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम जू से पब में मिली थी। शाओ बोलती है, क्या बात है, तुम्हें कैसे पता चला मैं जू से कहाँ मिली थी, कहीं तुम मुझ पर नजर तो नहीं रख रही थी? लिली बोलती है, बस पता है मुझे। शाओ बोलती है, ठीक है मेरे एक्स फियांसी को तुम ही रखो, मुझे अब नहीं चाहिए। लिली मैडम यू को समझाने लगती है, ये लड़की कुछ भी बोल रही है, प्लीज आप शाओ की बातों में ना आए। शाओ बोलती है, मेरे पास तो प्रूफ भी है। एक्चुअली मिस शाओ के पास कुछ नहीं था। मैडम यू तो लिली को थप्पड़ ही मार देती है, तुमने मिन को फंसाया और बेचारी शाओ को बदनाम कर रही हो, घटिया लड़की हो तुम। लिली बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है मिन, कुछ तो बोलो ना तुम। मैडम यू मिन को बोलती है, मेरे सामने तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, इस लड़की के हाथों तुम बेवकूफ बन गए हो। शाओ बोलते, क्या हुआ, मेरी माफ़ी का स्टाइल पसंद आया? ऐसी माफ़ी तो मैं रोज मांग सकती हूँ। मिन तो शाओ को थप्पड़ ही मारने वाला था, तभी जू आ जाता है, क्या कर रहे हो? मिन तो गिर जाता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। शाओ बोलती, रहने दो अब, छोटे हो, चलो अपनी आंटी की सैंडल साफ कर दो। मिन बोलता, बस भी करो तुम, बहुत ज्यादा बदल गई हो। शाओ बोलती, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, बड़ों की तो सेवा करनी चाहिए ना, मेरे पैर पर लगी थी इसीलिए मैं झुक नहीं सकी। जू बोलता, मैंने सुना है आजकल तुम्हारे हाथों से सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं और अब तुम्हारी कंपनी में पैसे भी नहीं है,
मीन बोल रहा है, अरे अंकल आप बुरा मान गए, मैं कर रहा हूँ ना आंटी के हिल साफ, और करने लग जाता है। शाओ बोलती है, पर अब मुझे साफ नहीं करवाने। जू बोलता है, जान हम नहीं ले लेंगे ना। जू शाओ को उठाकर ले जा रहा था। मीन बोलता है, अंकल कंपनी लॉस में चल रही है, आपको पता ही है, हेल्प करोगे ना। जू बोलता है, तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, यानी लिली, तो अब इन्वेस्टर भी ढूंढ लो ना। घर आकर जू बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम अच्छी एक्टर भी हो, पर अब एम्बेरस क्यों हो रही हो। शाओ बोलती है, मैंने अच्छा किया है ना। जू बोलता है, हाँ हमारी एंगेजमेंट नकली है, याद रखना। शाओ बोलती है, पता है मुझे तुम्हें लाइक नहीं करने वाली मैं। जू शाओ को पेपर्स देता है। शाओ देखती है जू ने मिन की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, वो भी शाओ के नाम पर। जू बोलता है, अब तुम मिन की कंपनी की मेजर शेयर होल्डर हो, अब तुम मिन के साथ क्या सलूक करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। शाओ सोचती है, मिन और जू एक ही फैमिली से है, पर कितने अलग है ना दोनों। लिली मिन को बोलती है, तुम भी शैन फैमिली का हिस्सा हो, फिर भी हर कोई हमें बुली क्यों कर रहा होता है, तुम कुछ कर क्यों नहीं पाते। मिन बोलता है, गलती तुम्हारी है, पहले तुमने ही शाओ को सुनाया था। लिली बोलती है, नहीं वो मुझे बुली कर रही थी पहले। मिन बोलता है, अब कुछ मत करना, ऑलरेडी मेरी कंपनी नुकसान में चल रही है, पैसे भी नहीं है, अंकल ने भी हेल्प करने से मना कर दिया है। लिली बोलती है, उसने मना शाओ की वजह से किया है, पता नहीं तुम्हारे अंकल को शाओ में ऐसा क्या दिख गया जो उसके पीछे पागल हो गए हैं। लिली बोलती है, पर कोई तो शैन फैमिली में तुम्हारी हेल्प करेगा ना। मिन बोलता है, पता नहीं। लिली बोलती है, ठीक है मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे पास एक प्लान है। लिली मिन से कुछ कहती है, मिन स्माइल करने लग जाता है। जान तुम तो कमाल हो, क्या दिमाग लगाया है तुमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।